रजौरी में हुए ग्रेनेड हमले के बाद लगातार जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें उधमपुर से हैं, जहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। देखिए उधमपुर से कांवल चाड़े की एक खास रिपोर्ट। आज का जो ये प्रदर्शन था, ये उस कायराना हरकत के खिलाफ था जो अक्सर पाकिस्तान स्पॉन्सर मिलिटेंट्स हमारे देश के सिपाहियों पे हमला करते हैं, हमारे सीआरपीएफ बीएसएफ बेल्ट फोर्सेस पे हमला करते हैं। और आजकल पिछले कई सालों से एक ट्रेंड बन चुका है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला होना। अगर हम कई दशक पीछे चले जाए, चाहे किश्तवाड़ की बात हो, चाहे श्रीनगर की बात हो और अन्य जो हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी बात हो, हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला होना। मैं बताना चाहूंगा कि जो ये कायराना हरकत है, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा सड़कों पर है और कभी इन कायराना हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगी। कल जिस तरह से हमारे रजौरी के मंडल अध्यक्ष, हमारे बड़े भाई जसवीर सिंह जी पर घर के अंदर ग्रेनेड से हमला होता है, उस हमले के अंदर उनका पूरा परिवार जख्मी होता है और उनका 2 साल का मासूम बेटा जिसका नाम वीर सिंह था, वो शहादत को हासिल करता है, वीर गति को प्राप्त करता है। अरे जो ये लोग हैं, ना ही ये हिंदू है ना ही ये मुस्लिम है, ये वो कायर लोग हैं जो इंसानियत के नाम पे बद्ध कलंक है, जो ये नंगा नाच पाकिस्तान संयोजक आतंकवाद द्वारा हो रहा है, भारतीय जनता युवा मोर्चा कदा इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। और आज आपके माध्यम से हम माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से भी अपील कर देना चाहते हैं और इवन हम उनको चेता देना चाहते हैं, हम माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी से अपील करना चाहते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के सिपाहियों पे ये हमले बंद नहीं होंगे तो युवा मोर्चा एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेगा। जिस तरह से कश्मीर के अंदर हमारे सरपंच, उनके ऊपर मिलिटेंटों द्वारा हमला होता है, उनकी सिक्योरिटी पर्सनल को सस्पेंड कर दिया जाता है, तो क्या ये उम्मीद लगाई जाए कि जो उनके सिक्योरिटी के पर्सनल